शिवा और रावि दोनों की ही उड़ने वाली है नींद। अब भाई तलाक होने वाला है दिवाली के दूसरे दिन ही, और इस वजह से उन दोनों की नींद तो उड़ती ही है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के लिए तड़प रहे होते हैं और इसी चक्कर में दोनों की नींद हराम हो जाती है। बार बार एक दूसरे के सामने आमने सामने आने की कोशिश करते हैं, इस रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे से कहने की कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कह पाते। पूरी रात इन दोनों की नींद उड़ जाती है और सुबह होते ही जैसे ही तलाक लेने पहुँचेंगे, तलाक लेने के लिए साफ इनकार कर देंगे। जी दोस्तों, अब इस बार रावी और शिवा दोनों ही अपने दिल की बात कहेंगे एक दूसरे से, वो भी कोर्ट में, जहां पर इनका रिश्ता लगभग खत्म होने ही वाला होता है। लेकिन फाइनली शिवा और रावी इस तलाक को रोकते हैं और वापस आकर घर वालों के सामने खड़े हो जाते हैं। सुमन पूछती है कि आखिर क्या हो गया ना इसका तलाक, अब चलो कल से सगाई की तैयारी करते हैं। दिशा भी काफी खुश होती है और घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश होते हैं। शिवा और रावी चुपचाप खड़े होते हैं, सबको लगता है सच में तलाक हो गया है। लेकिन जैसे ही शिवा और रावी सगाई के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है और तलाक नहीं हुआ है, सुमन के होश उड़ जाते हैं और घर वाले अब सेलिब्रेट करते नजर आएंगे कि इन दोनों ने चलो अकेले ठिकाने तो आई। और दिशा का दिल बुरी तरह से टूट जाता है कि शिवा और रावी ने दोनों ही तलाक नहीं लिया है। और इसी के साथ में दिशा की स्टोरी तो खत्म होगी, लेकिन शिवा और रावी की रोमांटिक स्टोरी शुरू होगी। तो फाइनली धरा के दिल पर जो बोझ था कि ये दोनों कहीं सच में तलाक ना ले ले, ये ऐसा हो नहीं पाएगा और दोनों ही तलाक के लिए खुद ही मना कर देंगे। और सुमन एक बार फिर से उन दोनों को गुस्सा होते नजर आएगी और यहाँ पर फिर से एक बार क्रेडिट खुद ही ले लेगी कि यही तो था मेरा प्लान, मुझे पता था तुम दोनों तलाक तो लेने वाले हो। और शिवा तो उसे वैसे भी बहुत प्यार करता है और ये भी गोम्बी की तरह ही हो गया है। तो यहाँ पर एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे और एक बार फिर से पूरा पांड्या परिवार एक साथ होगा।